दुष्ट है। कभी यहाँ लगा, फिर हटा, फिर वहां भागा, फिर दौड़ा, फिर इधर गया, फिर उधर गया। पागल हाथी है। हाथी पागल हो जाए तो केवल अंकुश से वश में होता है, उसके मस्तक पे अंकुश मारो तो वश में होता है। मीरा जी कह रही है, मेरा भी ये मन पागल हाथी था, पर जब से गुरुजनों का हाथ रूपी अंकुश इसके सिर पर बैठ गया, तब से इस मन की भागदौड़ समाप्त हो गई, इस मन की व्यग्रता समाप्त हो गई। सदगुरुजनों का वरद हस्त ही वो अंकुश है जो इस पागल हाथी मन को वश में करेगा। तो दैनिक जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ नित्य नियम होना चाहिए, मन लगे या न लगे, फिर भी नियमित रूप से रोज भगवत भजन हो, क्योंकि वो भगवत भजन संस्कार तो बनाता ही है, और वो संस्कार जब दृढ़ होते हैं तो मन अपने आप मन की चंचलता नष्ट होने लगती है। जब संस्कार दृढ़ होंगे तो मन की व्यग्रता समाप्त होने लगेगी, मन में अपने आप स्थिरता आने लग जाएगी। आज किया फिर चार दिन नहीं किया, फिर कभी देख लिया, फिर कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, फिर कभी कीर्तन कर लिया, फिर जप कर लिया, फिर कभी पाठ कर लिया, फिर 10-20 दिन नहीं किया, इस तरह से संस्कार नहीं बनेगा। दृढ़ता से जब कोई साधन किया जाएगा वो संस्कार बनेगा, और वो संस्कार जब प्रबल होंगे तो मन की व्यग्रता को समाप्त कर देंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने जो पूर्व जन्म में भजन किया था, उस भजन के प्रभाव से, अब हाथी की योनि में कोई बुद्धि थोड़ी होती है, कोई विवेक थोड़ी होता है, जिस समय उस गजराज को ग्राह ने पकड़ा है तो उसको पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से स्तुति का स्मरण हो गया, नहीं तो हाथी क्या स्तुति करना जाने। और उस समय उस हाथी को भगवान की स्मृति हुई, पशु योनि में, मनुष्यों को नहीं हो पाती मरते समय भगवान की स्मृति, उसको पशु योनि में भी हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति के जो संस्कार थे उन संस्कारों को कारण मृत्यु के समय उसको भगवत स्मृति हो गई। भक्ति इतनी अमोघ है, इतनी अमोघ है, चाहे इस जन्म में की हो, चाहे 10-20-100 जन्म पहले की हो, वो कभी ना कभी तो अपना प्रभाव दिखाती ही दिखाती है। भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दावा दूबी दबे नहीं यह कस्तूरी की बास। जैसे असली कस्तूरी की जो सुगंध होती है, आप चाहे उसको 10 तिजोरियों में रख दें फिर भी सुगंध निकलेगी, असली कस्तूरी होगी। वैसे जो भजन दृढ़ता के साथ किया जाता है, वो चाहे किसी जन्म में किया हो, चाहे किसी योनि में किया हो, कभी भी किसी युग और कल्प में भी किया हो, वो कभी ना कभी अपनी चमत्कृति, अपना प्रभाव दिखाएगा, जैसे गजराज को दिखाया। भगवत स्मृति गजराज को हुई है, अन्य अन्य देवी देवताओं का आश्रय नहीं, केवल श्री कृष्ण आश्रय उसने लिया। और गजेंद्र मोक्ष का ऐसी फलश्रुति है, जो लोग गजराज ने जो स्तुति की है, उस स्तुति को जो लोग नित्य नियम से करते हैं, उनको अंतिम समय में भगवान की स्मृति होती ही होती है। ये गजेंद्र मोक्ष की फलश्रुति है। गजराज ने स्मरण किया, श्री ठाकुर जी का स्मरण किया, और जिस समय उसने भगवत आश्रय लिया है, बड़ा सुंदर पद है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के भरोसा रहा,
भी वो मुक्त नहीं हो पाया। दुशासन की पूजा थकित भई, दुशासन भरोसा था उसमें, कैसी दृढ़ता थी।
शरीर का बल, किसी को अपने पैसे का बल, किसी को अपने रूप का बल। पर जीव जब सब बलों को, सब आश्रयों से जब निराश हो जाता है, तब उसको श्री भगवान का आश्रय याद आता है। जब तक अपना आश्रय है, तब तक भगवत आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का बल, जिस समय हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में जानकी मैया को ढूंढते हुए, जानकी जी को कहा, माता आप चिंता ना करें, अब हमारे कंधे पे बैठ जाएं, हम आपको राम जी के पास पहुंचा देंगे। सीता जी बोली, हनुमान पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को छूती नहीं है, मेरा पातिव्रत खंडित हो जाएगा। पर माता एक स्त्री पुरुष को भले ही ना छू सके, पर पुरुष को, पर माता अपने पुत्र को छुए तो इसमें तो कोई दोष नहीं होता। आप मेरी माँ हैं, मैं पुत्र हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं, अभी लंका पार करके और समुद्र पार करके आपको राम जी के चरणों में पहुंचा दूं। सीता जी ने कहा, हनुमान जी एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि मैं तुम्हारे बल के भरोसे राम जी के चरणों तक पहुंचूं तो फिर मेरा शरणागति धर्म बिगड़ जाएगा। रावण की क्या सामर्थ्य है जो मेरा हरण कर सकता था, ये तो केवल मैं जानती हूं कि ये लीला होनी ही थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा, भस्म भस्मार्हते जैसा, अगर सीता जी एक बार रावण की ओर देखें तो वो भस्म होकर समाप्त हो जाए, भस्मीभूत हो जाए रावण। पर सीता जी कह रही, हनुमान यदि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी तो मेरा शरणागति धर्म बिगड़ जाएगा, इसका मतलब मुझे राम जी के बल का भरोसा नहीं है। एक आश्रय में अपने शरीर, अपनी इंद्रिय, अपनी मन बुद्धि का भरोसा भी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवत आश्रय की सिद्धि होती है, और जब तक अपने शरीर का भरोसा है, अपनी इंद्रियों की शक्ति का भरोसा है, अपने धन के बल का, अपने शरीर के बल का, अपने रूप के बल का भरोसा है, भगवत बल तो नहीं मिल सकता। सीता जी ने इतनी बड़ी बात कही, बोले राम जी स्वयं आकर मुझे ले जाएंगे तब तो मेरा शरणागति धर्म पूर्ण होगा, और अगर मैं अपनी शक्ति से राम जी के पास जाऊं तो इसका मतलब राम जी की शक्ति का मुझे भरोसा नहीं है, मेरा शरणागति धर्म खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और आई नहीं जानकी जी, और नहीं तो हनुमान जी चाहते तो जब खोज करने गए थे तभी ना ले आते सीता जी को, प्रार्थना भी की थी पर नहीं आए, शरणागति धर्म भंग हो जाएगा। इसको एक आश्रय कहते हैं। एक आश्रय गजराज ने लिया, उसका परिणाम सहसावतीर्य भगवान एकाएक प्रकट हो गए, अवतरित हो गए, ग्राह को चक्र से फाड़ दिया, गजराज को मुक्त किया। गज और ग्राह पूर्व जन्म में, ये दोनों, गज तो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, ग्राह पूर्व जन्म में गंधर्व था, ये दोनों ऋषियों के श्राप से इन योनियों में आए थे, और उनकी श्राप रूपी कृपा से दोनों को भगवान का दर्शन हुआ, भगवत कृपा प्राप्ति हुई, भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ और दोनों अपने लोकों को लौट गए। इसके बाद पांचवा जो मनवंतर था वह रैवत मनवंतर हुआ, और छठवा मनवंतर चाक्षुष मनवंतर हुआ, जिस मनवंतर में समुद्र मंथन की लीला संपन्न हुई। एक बार श्री दुर्वासा जी महाराज भगवान का दर्शन करके वैकुंठ से लौट रहे थे, देवराज इंद्र को प्रसादी माला भगवान की दी, इंद्र उस समय कुछ मदांध थे, इंद्र ने माला को लेकर हाथी के गले में डाल दिया, हाथी ने माला को पैर से कुचल दिया, दुर्वासा जी को क्रोध हुआ, अरे मूर्ख भगवत प्रसादी माला का तिरस्कार करता है, जिस श्री के मद में तू अंधा हो रहा है, जा उस श्री से हीन हो जा। शास्त्रों में ऐसे वाक्य प्राप्त होते हैं, लंगनाथ हरते आयु स्पर्शनाथ हरते श्रेय, भगवत प्रसादी पुष्प तुलसी दल नैवेद्य निर्माल्य अगर चरण से छू जाए तो मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती, आयु नष्ट होती है, और यदि उसका कोई लंघन कर दे, उसको लांग दे, तो उसकी श्री नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवत प्रसादी वस्तु ग्रहण करने में सावधान रहना चाहिए, तिरस्कार न हो, उसका अपमान न हो।
देवराज इंद्र ने उस प्रसादी नरमाली का तिरस्कार किया, श्रीहीन हो गए। सब देवता भगवान के पास पहुंचे। उस समय श्री ठाकुर जी ने दैत्यों से संधि करके समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी है। देवताओं ने राजा बलि से संधि की है और समुद्र मंथन का प्रस्ताव जब रखा, अमृत निकलने की बात सुनकर देव दैत्य दोनों के मन में लोभ आ गया। दैत्यों के मन में लोभ आया, अमृत मंथन समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। और जब संपूर्ण समुद्र की अपार जलराशि को मथा गया है, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दैत्य लगे। सबसे पहले जो जल का पाप था वो जहर के रूप में प्रकट हुआ, और सब दैत्य जब उस विषाग्नि से जलने लगे, संतप्त होने लगे, सबने भगवान शंकर जी की शरण ग्रहण की। उस समय भगवान भोलेनाथ ने नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को नाम स्मरण करके उस विष का पान कर गए। और उस विष का पान करने से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि उस जहर को पीने से वो महाकाल हो गए और भगवान शंकर के गले में वह विष एक आभूषण के रूप में शोभित हुआ, जिससे उनका नाम नीलकंठ महादेव हुआ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। 14 रत्न समुद्र से प्रकट हुए हैं, विष वारुणी रंभा शशि धनु गज तरु मणि शंख अश्व गाय श्री वैद्य अमृत निकसे सागर मंथ। 14 रत्न प्रकट हुए हैं। उच्चई श्रवा घोड़ा जिसको राजा बलि ने लिया, चतुर्दंत ऐरावत को देवराज इंद्र ने लिया, और यज्ञ से कामधेनु गाय प्रकट हुई जिसको ऋषियों ने लिया, क्योंकि ये एक बड़ा समझने योग्य बात है। महाभारत में लिखा है 7 चीजें हैं जो पृथ्वी को धारण करती हैं। जैसे कोई मकान बनाओ तो खंभा खड़ा किया जाता है, वैसे ही इस पृथ्वी के जो आधार स्तंभ हैं वो 7 स्तंभ हैं। महाभारत में लिखा है गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मयि। गोभी सबसे पहला गाय जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, विप्र माने ब्राह्मण, वेद सती स्त्रियां, सत्यभाषी लोग, सत्यवादी लोग, निर्लोभी पुरुष जिनके मन में लोभ नहीं है, और दानी दाता लोग, इन 7 चीजों पर पृथ्वी टिकी हुई है। और जब ये 7 चीजें क्षीण होती हैं तो पृथ्वी भी असंतुलित होने लगती है। समझने योग्य बात है, ऋषियों ने गाय को ग्रहण किया। क्यों? सनातन धर्म का कोई भी वैदिक अनुष्ठान, कोई भी वैदिक कार्य बिना गाय के हो ही नहीं सकता है। आप यज्ञ करें, हवन करें, कुछ भी करें, अभिषेक करें, कुछ भी करें, आपको पंचगवी की आवश्यकता, पंचामृत की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी। और गाय नहीं होगी तो गव्य पदार्थ कहाँ से होगा? आज भले ही 125 करोड़ आहुति का विश्व शांति महायज्ञ हो, शांति महायज्ञ हो, लेकिन कितनी विश्व में शांति हो रही है? क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि गौवंश क्षीण हो रहा है, इसलिए समुचित वैदिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, प्रकृति असंतुलित हो रही है, और प्रकृति में विश्व में अशांति फैल रही है। उसका कारण है गौवंश का ह्रास, सबसे मुख्य कारण। ऋषि लोग जब यज्ञ करते थे, घृत आहुति देते थे, तो उन यज्ञ से जब धुआं निकलता था, उस धुएं से बादल बनते थे। गीता जी में स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभवति। ऋषि यज्ञ करते थे, उस यज्ञ से पर्जन्य माने बादल बनते थे, और बादल ही फिर बरसते थे, तब फसल पैदा होती थी। आज वर्षा के समय वर्षा नहीं होती, जब फसल खड़ी हो जाए तो वर्षा हो जाए, सब असंतुलित कार्य हो रहा है प्रकृति में, सब असंतुलित। गर्मी है तो प्रचंड गर्मी, सर्दी है तो प्रचंड सर्दी, सारी प्रकृति असंतुलित है। उसका कारण है गौवंश का ह्रास, क्योंकि गौवंश का यदि ह्रास होगा
तो कोई सनातन धर्म का वैदिक कार्य नहीं हो सकता, और जब धर्म संस्कृति का कोई कार्य नहीं होगा तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। ये भगवान की सृष्टि एक बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित सृष्टि है, और इसकी व्यवस्था कहीं से भी तनिक भी डगमगाएगी, तनिक भी हिलेगी, क्षीण होगी, सारी पृथ्वी पर, सारी प्रकृति पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ऐसा लिखा है भागवत जी में, जिस समय हिरण्यकश्यपु ने राज्य किया है भारत, उस समय भूमि को जोता बोया नहीं जाता था, अकृष्ट पच्चा भूमि थी, बिना जोते बोए फसल पैदा हो जाती थी, एक वह समय था। और जब से गौवंश का ह्रास हुआ, गौवंश उपेक्षित हुआ, आज एक वही समय है, रासायनिक खादों का उपयोग कर करके भूमियों को जहरीला कर दिया गया, विषैला कर दिया गया, अब फिर अलग से फिर ऑर्गेनिक चीजें खाओ। अरे संपूर्ण भूमि में ही यदि अच्छा उत्पाद हो तो अलग से ये ऑर्गेनिक और ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़े, क्योंकि एक ओर तो हम गौवंश का ह्रास कर रहे हैं, दूसरी ओर हम उत्तम वस्तु पदार्थों को चाहने की कामना कर रहे हैं, कैसे संभव है? इसलिए बहुत आवश्यकता है। आज हम लोगों के देखते देखते कुछ ही शताब्दियों में भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में गौवंश का इतनी अधिक मात्रा में ह्रास होने लग गया, इतनी अधिक मात्रा में। 1760 में पहला कत्लखाना ब्रिटिश शासक के द्वारा खुला था, 1910 तक 350, और भारत स्वतंत्रता के बाद 36,000 से ज्यादा कत्लखाने हो गए। और आज वैध रूप तो छोड़िए, अवैध रूप से कितने गौवंश का आज कत्ल हो रहा है, उनको काटा मारा जा रहा है, कितना उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, हम लोग सोच नहीं सकते। कितनी अमानुषी यातनाएं उनको दी जाती है। आज मांस विक्रेताओं में सबसे पहले नंबर पे भारतवर्ष का नाम है। जिस देश में किसी समय जो भूमि कभी किसी समय गौरस से रंजित होती थी, गौरस से गीली रहती थी, आज गौरक्त से वो रंजित हो रही है। गौ हत्या रूपी महाकलंक जिन जिन देशों को लगा हुआ है, उन देशों का कभी किसी युग में उत्थान संभव नहीं है। कोई समय था भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, क्यों? सोना तो था ही, इतना सोना था कि लोदी ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, गजनवी ने लूटा, इतना लूटा कि ले जा भी नहीं पाए। लेकिन दूसरा कारण गौ रस इतना होता था, भारत भूमि में गौधन का इतना सम्मान था कि भारत की भूमि सोना उगलती थी गौधन के कारण। सारी कृषि भारतवर्ष की गौवंश पर आधारित थी। ऐसे समय में बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि भाई जो गौ भक्त है वही गोपाल भक्त है, क्योंकि ठाकुर जी की भी आराध्या है गौ माता। जो उनकी आराध्या का सम्मान नहीं कर सकेगा उसकी गोपाल भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। स्वयं भगवान गोपाल बने, गायों का पालन करने से ही तो गोपाल नाम हुआ, गायों की रक्षा से ही नाम उनका गोविंद हुआ। छीत स्वामी जी का पद है, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है, उनका पद है। तो गो भक्ति की पूर्णता ही गोपाल भक्ति है। इसलिए भाई यह ना सोच के, ऐसा सोच के निश्चिंत मत रहिए कि हम गौ मांस का भक्षण नहीं करते तो हम गौ हत्या के दोषी क्यों हैं, गौ सेवा नहीं कर पा रहे इसलिए गौ हत्या के दोषी। कोई घर ऐसा नहीं होता था जिस घर से गौग्रास न निकलता हो। भारतवर्ष में प्रथम हमारी संस्कृति थी, हर घर से पहला ग्रास गौग्रास निकलता था। आज इन बातों को हम लोग भारतीय होकर भूलते जा रहे हैं। यहाँ रहकर तो घर में गौपालन संभव नहीं, गाय के सेवा संरक्षण संभव नहीं, पर कम से कम भावनात्मक रूप से तो जुड़े रहिए अपनी संस्कृति से। कुछ नहीं तो बैठे बैठे रोज 2 मिनट प्रार्थना ही कर लो भगवान से, गोपाल जी से, विश्व भर की सब गायों की संरक्षण हो नाथ, बैठे बैठे गौ सेवा हो जाएगी, मानसी सेवा हो जाएगी। हृदय में भावना तो रख सकते हैं, सुविचार तो रख सकते हैं, भावनात्मक ही रूप से ही जुड़िए। बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। तो 14 रत्नों में गौ माता भी एक रत्न है।
ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, घोड़ा राजा बलि ने लिया और कामधेनु गाय को ऋषियों ने लिया। गीताजी में भगवान ने कहा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्यों के तीन कर्म हैं, खेती करें, गौरक्षा करें और व्यापार करें। आज व्यापार तो प्रधान हो गया पर कृषि और गौरक्षा सबने छोड़ दी, तभी तो ये संकट का समय आ गया। अगर लोग अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहें, जैसा शास्त्र में कहा है ब्राह्मण के लिए छह कर्म बताए हैं, पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, क्षत्रिय है उसके लिए ब्राह्मण की सेवा करना और सबकी रक्षा करना शौर्य है, युद्ध है, पराक्रम है, क्षत्रिय के धर्म कहे हैं। वैश्य है तो वैश्य के लिए कृषि है, गौरक्षा है, व्यापार है। गीताजी में भगवान कह रहे हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके अलग अलग धर्म कर्म है, लेकिन आज व्यापार तो याद रह गया लेकिन गौरक्षा किसी को याद नहीं है, कृषि किसी को याद नहीं है। और जो कृषि है भी तो वो केवल लोभवश रासायनिक पदार्थों पे, नए नए उत्पादों पर, उन पर आधारित हो गई है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। शूद्र के लिए सेवा परम धर्म कहा, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए हर मनुष्य को, सबको करना चाहिए। और जो नहीं करते आप मत गौ मांस खाओ, आप नहीं गाय काट रहे तो भी आपको गौहत्या का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने वर्ण के अनुसार धर्म नहीं कर रहे हैं। आपका धर्म है गौरक्षा, आप नहीं कर रहे हैं तो आपको गौवध का दोष लगेगा। तो ऋषियों को यज्ञार्थ यज्ञ के लिए ऋषियों ने कामधेनु गाय को लिया है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, भगवान नारायण का लक्ष्मी जी ने वर्णन किया है। और उसके पश्चात धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत कलश लेकर। दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया, देवता व्यथित हुए, भगवान से प्रार्थना की यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तब तो हमारे सब शक्ति क्षीण कर देंगे और एक छत्र साम्राज्य करेंगे। भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए हैं और छल बल से देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को वंचित रख दिया। अब देव दैत्यों में घमासान संग्राम छिड़ा, उस युद्ध में देवराज इंद्र ने राजा बलि को समाप्त कर दिया। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः राजा बलि को जीवित किया और इस बार राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। अब तो देवताओं की माँ अदिति को बड़ा मन में शोक हुआ है और माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना की है, हे नाथ, कश्यप जी से प्रार्थना की है, आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतावें मेरे पुत्रों को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत बताया। 12 दिन तक ये व्रत दूध पीकर किया जाता है। माता अदिति ने वह व्रत किया है और उस व्रत के परिणाम स्वरूप श्री भगवान प्रकट होकर आए हैं और माता अदिति को कहा हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। विजया द्वादशी की तिथि को अभिजित मुहूर्त में ठीक दोपहर काल में स्वयं भगवान माता अदिति का मनोरथ पूर्ण करने के लिए वामन भगवान के रूप में आए हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। और वामन भगवान के रूप में आकर श्री ठाकुर जी राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं। राजा बलि ने उनका बड़ा सत्कार किया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की भगवान आपको जिस वस्तु पदार्थ की इच्छा हो आप निसंकोच मांग लें। तब वामन भगवान ने ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, तेजस्वी ब्राह्मण वही है जो परम संतोषी है। मुझे यद्यपि कुछ नहीं चाहिए पर आपके आग्रह से मैं 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। जैसे ही बलि ने संकल्प पात्र उठाया है उसी समय गुरु ने मना कर दिया, मूर्ख सब कुछ माप लेगा, इसको क्या दे रहा है तू। फिर भी राजा बलि बोले यदि ये विश्वरूप हैं तो इसमें तो मेरा गौरव ही बढ़ता है। जैसे ही संकल्प किया है गुरु ने शाप दे डाला, जा तू नरक भोग, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है। पर भाई यहाँ एक बड़ा सुंदर सिद्धांत भागवत जी में लिखा है, यम न माता पिता भ्राता सुरदश्चा दशंति ही पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडम अर्हत मार्पितम। मोहवश जो दंड माता पिता बंधु बांधव नहीं दे सकते हैं
वो दंड गुरुजन जीव के कल्याण के लिए देते हैं। गुरुजनों के दंड से जीव का सदैव कल्याण होता है, सदैव। और फिर भाई हमारी तो भारतीय संस्कृति इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है कि यहाँ गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड भी उत्सव बन जाता है, उसको भी दंडोत्सव कहा जाता है। एक दंडोत्सव की एक चर्चा भक्तमाल जी में आती है। एक संत थे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के, कृष्णदास जी महाराज, वृंदावन में सेवा कुंज में नित्य बुहारी लगाया करते थे, झाड़ू लगाते थे और श्री राधा रानी के प्रेम में रोया करते थे, दिन रात रुदन करते रहते थे, आंसू ही निकलते रहते थे। तो लोग उनको दुखी कृष्णदास कहते थे, उनका नाम ही दुखी कृष्णदास पड़ गया था, खूब रोते रहते थे। एक दिन श्री राधा रानी ने उनके ऊपर कृपा की, उनका नाम आगे चल के श्यामानंद हुआ। एक बार उन्होंने, राधा रानी ने कृपा की, सेवा कुंज में पधारी घूमने के लिए और जानबूझ के अपना एक मुंह पर वहां छोड़ गई। अब कृष्णदास जी ने, श्यामानंद जी ने जब उस जगमगाते हुए नूपुर को देखा तो एकाएक उस नूपुर को लेके अपनी पगड़ी में बांध लिया, समझ गए कि ये नूपुर कोई साधारण नहीं। इधर ललिता जी ने जब राधा रानी के एक एक आभूषण को गिना तो बोली, श्यामा जी आज तो आप नूपुर कहीं छोड़ आई है। नहीं नहीं ललिता, मैं कहाँ जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा गिरा होगा तो सेवा कुंज में गिरा होगा, और सेवा कुंज में श्यामानंद जी रोज बुहारी लगाते हैं, तुम जाओ उनके पास और उनसे मेरा नूपुर ले आओ, मिला होगा तो उन्हीं को मिला होगा। तो ललिता जी एक बुढ़िया का रूप बना के, एक वृद्धा का रूप बना के गई और जाकर बोली, श्यामानंद जी हमारी बहू यहाँ सवेरे सवेरे घूमने आई थी, उसका एक चरण का नूपुर गिर गया है, आप कृपा करके हमें वह दे दें। श्यामानंद जी बड़े चतुर भक्त थे, वे समझ गए कि ये नूपुर साधारण नहीं है, इसलिए जो लेने आया है वह भी साधारण नहीं है। श्यामानंद जी बोले, देखो मैया, अभी आप आई हो कि आपकी बहू का नूपुर गुरा है, दो घंटे बाद दूसरी मैया आएगी, वो कहेगी मेरी बहू का नूपुर है, फिर कोई और आएगी वो कहेगी मेरी बहू का नूपुर है, नूपुर तो एक ही है, मैं कैसे मानूं कि ये आपकी ही बहू का है, जब आपकी बहू स्वयं आकर अपने चरण में दूसरा नूपुर ऐसा दिखा देगी तो मैं अपने हाथ से नूपुर बांध दूंगा। चतुर भक्त थे बड़े श्यामानंद जी। तो ललिता जी गई राधा रानी से, कहा हे स्वामिनी जू, वो तो बड़ा हठी भक्त है, नूपुर नहीं दे रहा है, कहता है कि किसका नूपुर है, मैं कैसे भरोसा करूं, जिसका नूपुर है वो दूसरा नूपुर आके दिखा के जाए। राधा रानी को तो कृपा करनी थी, वो तो जानबूझ के लीला कर ही रही थी। श्री राधा रानी जैसे ही आई, साक्षात रूप में आई, वेश बदल के नहीं, साक्षात रूप में, कृपा करनी थी इसलिए साक्षात रूप से गए। कृष्णदास जी, श्यामानंद जी महाराज दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, चरणों में गिर गए, अपने हाथ से जैसे नूपुर श्री राधा रानी को दिया, राधा रानी ने उस नूपुर को लेकर श्यामानंद जी के मस्तक पे लगा दिया और श्यामानंद जी आज से यही आपका तिलक होगा। तो जब श्यामानंद जी महाराज अपने गुरुदेव हृदयानंद जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा, ए मनमुखी, कहाँ से ये मनमाना तिलक लगाया, हमारे संप्रदाय का ये तिलक नहीं है, धो दे इसको। श्यामानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव ये तिलक मैंने नहीं, ये तो स्वयं श्री राधा रानी ने अपने चरणों का नूपुर स्थापित कर दिया है, झूठ बोलता है, हम स्वयं धोकर देखेंगे। तो हृदयानंद जी ने हाथ से रगड़ रगड़ के उसको छुड़ाना चाहा, मस्तक से खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा, लेकिन वो चिन्ह नहीं हटा। अब तो सब संतों की पंचायत हो गई कि हृदयानंद जी ने अपराध किया है और लगता है कि ये श्री राधा रानी के चरणों का नूपुर है, नहीं तो धुलने से धुल जाता। सबने कहा, भाई इसका क्या प्रमाण है कि ये राधा रानी का ही है, कोई गवाही दे आके। तो संतों की पंचायत बैठी थी, श्री राधा रानी ने सुबल सखा को भेजा संतों की पंचायत में, और सुबल सखा ने आके एक वृक्ष की ओट से आकर कहा, हे संत भगवान, ये राधा रानी के द्वारा स्थापित किया गया ही उनका चरण नूपुर है, इसलिए आप लोग इसका अनादर न करें, और कह के चले गए। अब सब संतों को भरोसा हो गया, जब सुबल सखा ने आके गवाही दी है और इस बात को प्रामाणिक किया है, तब तो हृदयानंद जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया।
हृदयानंद जी को दंड मिलना चाहिए। तो संतों की पंचायत ने निश्चित किया क्या दंड मिले, बोले 12 दिन तक आपको अखंड नाम संकीर्तन, पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा कराना होगा और ठाकुर जी को 56 भोग लगाना होगा और यही आपका दंड है। तो हृदयानंद जी ने सानंद उस दंड को स्वीकार किया और हृदयानंद जी के पधारने के बाद श्यामानंद जी ने कि ऐसा तो दंड भी उत्सव है, गुरु जी के दंड को हम भी भोगेंगे। तो वे भी 12 दिन तक अखंड नाम संकीर्तन संतों का होता, खूब 56 भोग 12 दिन तक लगता, वृंदावन के सब संतों को भोजन कराया जाता। फिर श्यामानंद जी के शिष्य रसिक मुरारी जी ने भी उस दंडोत्सव को मनाया। आज तक वृंदावन में उस वैष्णव परंपरा में आज भी दंडोत्सव मनाया जाता है, 550 साल से वो दंडोत्सव मनाया जा रहा है। 12 दिन तक खूब कीर्तन होगा, सब संतों का भोजन होगा। तो ये संस्कृति ऐसी है जहाँ गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड भी उत्सव रूप हो जाता है, दंडोत्सव के रूप में उसको मनाया गया। तो गुरुजनों का जो दंड है वो जीव के परम हित में, परम कल्याण में होता है। माँ बाप भी वो दंड नहीं दे सकते जो गुरुजन देते हैं, वे मोह में है, ममता में है, लेकिन गुरुजन जीव का सच्चा हित करते हैं। तो यहां भी राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, दंडित किया, तू नरक भोग, पर प्रसन्नता से दंड को स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात श्री राजा बलि ने जिस समय वामन भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प पात्र उठाया है, थोड़ी ही देर में भगवान ने विश्वरूप अपना वही रूप प्रकट कर लिया, 2 पग में स्वर्ग आकाश पृथ्वी सबको माप लिया। अब ब्रह्मा जी महाराज राजा बलि को भगवान ने वरुण पाश से बांध दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा